भाई बॉडी तो बन रही है, तुम देखो बस एक बारी। और अभी तो जिम जाना चालू भी नहीं किया मैंने, तब ये हाल है। जिम चला गया तो फिर ऐसे एब्स निकल आएंगे। अच्छा, और देखो इसी वजह से मैं जाता नहीं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए यार ये फालतू का शो ऑफ। मैं सबसे ऊपर उठ गया हूँ। एंड्रयू साधु बन गया एकदम। ओके तो शायद मैंने काफी ज्यादा बकवास कर लिया है। अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं हार्टून्स की एनिमेशन वीडियो, जो तुम लोग कमेंट करके मेरे को बोल रहे थे और मैं सुन नहीं रहा था, बट अभी सुन लिया है मैंने। तो हाँ अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं देखना। तो आ गए फिर से खुश हो गए। दोस्त लोग बहुत आराम खोर है और ये चीज मैं उनके किसी कारनामे को देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज उनकी शक्ल से दिखता था। मतलब तुम भी याद करो अपने किसी दोस्त को, कोई ना कोई गाली आ रही होगी तुम्हारे दिमाग में। और मेरे दोस्त गालियाँ आ रही हैं। और मेरे दोस्तों का जो फेस शेप था ना, वो था कैदी। हाँ उनके मुंह को देख के ऐसा लग जाता है कि यार ये तो डिजर्व करता है जेल में रहना। भाई नहीं यार मेरे दोस्त अच्छे दिखते थे भाई, बट फिर भी मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे दो दोस्त एक्चुअली जेल जा चुके हैं, अभी बाहर हैं। एंड उनमें से एक दोस्त दूसरे कमरे में, मैं मिलवाता तुम्हें अगर वो अभी सो नहीं रहा होता तो। भाई यूपी में जेल जाना नॉर्मल है यार, डेली की चीज है। चाय पीने जेल में चलते हैं, खाना खाने जेल में चलते हैं, इट्स सो नॉर्मल यार, ऐसी क्या बड़ी बात हो गई। और हम लोगों के ग्रुप में से दोस्तों को असली नाम से तो कोई बुलाता ही नहीं था, हर किसी को उसके पापा के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है तो ये जो तीन कैदी थे ना, इनके नाम थे गेंदा लाल जी, मांगीलाल जी और रमेश जी। हाँ इसमें लाल नहीं जम रहा था इसलिए नहीं रखा हमने। और भाई बट कुछ और रख दिया है तुमने, ये देखो भाई लाल जी और रमेश। रमेश देखो तुम एक बार सही से प्लीज। ठीक है चलो सही से मत देखो, बट मेरी आंखें नहीं हट रही हैं यहाँ से। बट देखो मुझे लग रहा है मैं सीधा बच्चा था, मैं अपने दोस्तों को दोस्तों के नाम से ही बुलाता था, उनके पापा के नाम से नहीं बुलाता था यार मैं। हाँ इसमें लाल नहीं जम रहा था इसलिए नहीं रखा हमने। और ऑफकोर्स कन्फ्यूजन होता था उसके पापा के नाम में और उसमें, तो हम लोग इसीलिए पापा को सिर्फ रमेश बोलते थे और दोस्त को रमेश जी। अरे रमेश तू मेरी बात नहीं समझ रहा है, हमको रमेश जी से मिलना है, जा अंदर से बुला के ला रमेश जी को। और ये जो अपने भाई कितना ऑकवर्ड होगा तुम सोचो, रमेश जी से मिलना है, रमेश समझ यार। और ये जो मांगीलाल जी थे ना, इनको लौंडियाबाजी करने का बहुत शौक था, बन इनकी एक भी नहीं रही थी ठीक है, बस शौक था। तो ये बहुत ट्राई करने के बाद जिंदगी से थक हार के बैठ गए थे। तो गेंदालाल जी, रमेश जी और मैंने मिलके एक प्लान बनाया कि अब हम बनाएंगे फेक आईडी लड़की की। तुमने आईडी फेक आईडी तो आएगी, सभी ने बनाई होगी यार, तुम मना नहीं कर सकते ठीक है, प्लीज मैंने बनाई है, तुम कौन से खेत की मूली हो। मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम्हारे सामने सच सच मैंने बनाई है, तुम भी बोलो आईडी लड़की की। तुमने आईडी बना ली और मैसेज करा हाय। अपने मांगीलाल जी भी कुछ कम नहीं है, ये भरे पड़े हैं, इनका इतना कट चुका है ना कि अब ये सीधे पॉइंट पे आते हैं। हेलो आप सिंगल हो क्या, मैं भी हूँ। ये अच्छा ये लोग फेक आईडी बना के अपने दोस्त को ही मैसेज कर रहे हैं। भाई इसके लिए नर्क में एक अलग जगह है स्पेशल। सिंगल हो क्या, मैं भी हूँ। ये भेजा है इस आदमी ने सीधा पॉइंट पे। तब जाके हमको रियलाइज हुआ कि ये आदमी अंदर से कितना खोखला हो चुका है, तो हमने सोचा कि और खोखला कर देते। तो हम तीनों एक दोस्त होने के नाते उससे और बातें करी, दिन रात बातें करी, ताकि उसको अच्छा लगे और उसको बेवकूफ बना के हमको अच्छा लगे। और भाई ये तीन लोग एक आईडी से उस अकेले बंदे से बात कर रहे हैं। फिर मैं इस पे वीडियो बना दूं और तुमको अच्छा लगे। आए इतने दिमाग का मैं क्या करूं। तो गाइस और फिर मैं उस पे रिएक्ट करूं, वाओ। तो अपने मांगीलाल जी पूरे डूब चुके थे कन्वर्सेशन में, हम इनको खेलने बुलाते थे ना, नहीं बंदा बिजी हो चुका है, अब ये फालतू चीजों से दिमाग उठ गया है उसका, अब होती है दिन रात बातें। भाई यार पढ़ाई का बहुत लोड रहता है और घर पे जाके हमसे ही बात कर रहा है। भाई देखो मांगीलाल जी कोई गलती नहीं है, कोई भी होता ऐसा ही करता। नहीं नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। दिन आधी रात में मांगीलाल जी को जाने क्या सूझ पड़ी, सुनो ना मेरे घर वाले कल कहीं जा रहे हैं तो आ जाओ। चार दिन हुए अभी इस आदमी को बात करते हुए और कॉन्फिडेंस देख रहे हो इसका सीधे घर पे। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है अब इसको खोखला करने का टाइम आ गया, तो हमने लिख दिया हाँ हाँ मिलती मिलती मिलती। तो अपने मांगीलाल जी पूरा तैयार होके बैठे प्रोफेशनली, अरे परफ्यूम की बाटले खाली कर दी फुस फुस करके। अरे मुंह में कौन लगाता है भाई परफ्यूम, मैं तो बदन पे नहीं लगाता। गलती से सब बोल दिया। तो हमने घंटी बजाई, मांगू मैं आ गई।
और ये लौंडा इतनी खुशी से आया ना दरवाजा खोलने, बाहर हम तीन लौंडे खड़े हैं हाथ में सेहूं परमल लेके। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को अपनी नजरों में गिरते हुए देखा है। तो ये हरकत के बाद मांगी लाल जी को लगा था गहरा सदमा। मांगी लाल जी बैठे हुए सदमे में, भाई ऑब्वियसली लगा होगा भाई, उसकी अपनी कुछ उम्मीदें होंगी यार, लड़की आएगी लड़की को देखेगा, तीन लड़के देख रहा है बाहर, सदमे में तो जाएगा ही। सदमे में क्या यार, क्या यार, मतलब दिमाग नहीं क्या तेरे जरा था भी? अरे बेबी ले बुंगड़े खाएगा क्या? अरे भाई टेंशन नहीं लेना रे, जिंदगी बहुत छोटी है, होता रहता है ये सब। ये क्या बात है, जिंदगी बहुत छोटी है, होता रहता है ये सब, मतलब आगे और होगा। और एक तो ये सारे दोस्तों ने जेल वाले कपड़े पहने हुए हैं, देखो यही देख के था अपने दोस्तों की याद आ रही है। हाँ वही दोस्त जेल जा चुके हैं। तो देखो जब भी हमारे घर में मेरा कोई दोस्त आता था ना, मेरी मम्मा सब काम छोड़ के उन पे नजर रखते। चप्पल खोल साले, कोई शर्म ही नहीं आ रही इनको, घुसे चले जा रहे हैं बस। और ये टट्टी वाली चप्पल पहन के मत आया करो मेरे घर पे। उनको ऐसा लगता था कि ये लोग कुछ ने कुछ चोरी करके ले जाएंगे हमारे घर से। और वो लोग खेल के जब वापस उनके घर जाते थे ना, देखो यार कुछ लोग ही इस दुनिया में जिन पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ, मेरे को तुम लोगों पे बहुत ज्यादा गर्व है। और हो यार तुम में वाली बात है कि तुम लोग घर घर जाके चोरी कर लो, तो इसलिए मेरे को दिखा दो यार एक बार जेब। हाँ ये लोग जब खेल के घर पे जाते थे ना, जिंदगी में प्रॉपर पूरी जेब चेक करता था कि लोग कुछ चोरी करके तो नहीं ले जा रहे जेब में। जरा मुंह खोल तो, मम्मा संदासी लाओ जल्दी, मुंह में सोफा चोरी करके ले जा रहा अपने घर से। घर पे तो मेरे दोस्त लोग थे निहायती काम चोर, बेरोजगार और फ्री पुकते। रोज के रोज मेरे घर पे ग्रुप स्टडी के नाम पे आते थे ये लोग, बिना कॉपी किताब के ऐसे हाथ हिलाते हिलाते आ जाते थे मेरे घर और सीधे मेरे कमरे में आके, हाँ भाई हमको याद कर रहा था कि तू आ गए हम आखिरकार। देखो मैं इस चीज से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं वो बच्चा था जो दूसरे घर पे जाता था, मेरे घर पे कोई नहीं आता था यार। कोई याद कर रहा था कि तू आ गए हम आखिरकार, क्रिमिनल खा रहा अकेले अकेले लाइदर देखो, चलो रैंक बंक चौक चक खेलेंगे, नहीं राजा मंत्री चोर सिपाही खेलेंगे। भाई ये नई चड्डी कब लाया, एकदम फिट फाट लग रही है, तो फिट फाट समझ रहे, मतलब कि फाट भी कर सकता है तू इसके अंदर। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो क्या हाँ, एक बार मेरे घर वाले कहीं बाहर गए थे तो मैंने सोचा था कि चलो कोई नहीं आराम से बैठ के पढ़ाई होगी। अपने व्यवहार से सबको प्रभावित करने वाली पिंकी इतनी शातिर होगी क्यों कोई भी ये समझ नहीं पाया, अच्छी सूरत के पीछे सूरत भी अच्छी हो ये जरूरी नहीं। लेकिन ये जंगली लोग सकना कहाँ बैठाता है इन लोगों से, मेरे घर पे आ गए पार्टी करने बिना किसी रीजन के, कोई कुछ अच्छा नहीं हो रहा किसी की जिंदगी में। उसके दादाजी मर गए थे परसों। अरे जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ चड्डी को, चल पार्टी करते हैं। लेकिन काय की पार्टी काय की, जिंदगी बहुत छोटी है रे, मजे करो यही पल, फिर बाद में याद आएंगे। तो ये लोग मेरे पूरे घर में कचरे का फैलावड़ा करके निकल लिए घर। भाई ये सब साफ तो करो, दोस्त नहीं क्या दिखा दी फिर अपनी, कर ले यार तू साफ। अरे चल ठीक बाय बाय टाटा मिलते फिर। अरे मैं हैप्पी हैप्पी बिस्किट गया था ये वाला डायलॉग, दोस्त नहीं है दिखाई तूने खाया क्या तू। फिर जब घर वाले वापस आए ना, ये पड़ोसी क्या मालूम क्या फूके हमारे घर पे ध्यान रख रहे थे। भाभी यार बहुत बुरा लग रहा है मेरे को ये बताते हुए। तुम हंस रहे हो लिटरली। ये उम्मीद नहीं थी यार मेरे को आपके बच्चे से, जैसे ही आप गए ना मैं यार क्या बताऊं। वाह मत बताओ जा रही मैं। अरे आप जैसे ही गए ना लड़कियां लेके आ गया घर में, फिर तो भाभी जो हुआ वो हुआ, मेरे को बताते हुए भी शर्म आ रही यार। अरे तो शर्माओ ना, बेशर्मो जैसे बताए जा रहे हो। फिर भाभी सुनो तो सही, ये गया लड़कियों को लेके घर में और गाने चला दिए जोर जोर से ताकि बाहर आवाज नहीं आए, समझ रहे हो ना भाभी। नहीं लड़की यहाँ, लड़की भी नहीं लड़की यहाँ, वही ना एक लड़की नहीं दिख रही है, इधर लड़कियों की बात हो रही है, लड़की यहाँ वही। देखो मेरी एक बार, अरे लड़के थे वो, अब क्या उसके छाती के बाल दिखाऊं आपको? नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं को सारा नहीं। अरे तेरे सर पे बाल नहीं है, क्या बोल रहा है? जेब चेक कर तो बेटा इनकी। हाँ मम्मा को किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको इस चीज का डर है कि ये लोग मुंह में सोफे चुरा चुरा के ले जाएंगे हमारे घर से। और हाँ मेरे दोस्त लोग बहुत हरामी थे, स्कूल में मैंने किसी लड़की से जरा सी बात क्या कर ली, ये लोग आके स्कूल में बात फैला देते थे। और फिर पता है आए हाय बातें हो रही है, शादी की पत्रिका देने कब आ रहा है? तो मैं जैसे ही घर से भाई इसी वजह से, लाइक मैंने कभी क्लास में किसी लड़की से
से बात करी नहीं है क्योंकि बच्चे इतने हरामी लाइक बाद में पता लग रहा कि लोग लड़कियों से बात करते हैं क्लास में। दूसरे कक्षा में लोग बात कर रहे थे, हमारी क्लास में कोई बात नहीं कर रहा था क्योंकि हमारी क्लास में मैटर हो जाते थे। तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता था ना, मोहल्ले की सारी लड़कियां ऐसे कहानी में दिखाया गया सभी पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक समोसा और ले आओ। और हाँ, हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है ना जिसमें दिमाग नाम की किसी भी चीज नहीं होती है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि ये हमारा दोस्त है। एक बार इस बेचारे के घर में आग लग गई, सब लोग भागा भागी कर रहे, ये अंदर ही खड़ा है। अरे चिंता मत करो, सांस रोक लूंगा मैं। तो हम चार लौंडे रोज शाम को निकल जाते थे। अबे आग लगी है भाई, सांस रोक लूंगा क्या होता है, बाहर थोड़ी आई है। तो हम चार लौंडे रोज शाम को निकल जाते थे रबड़ने के लिए, लेकिन मेरे को हमेशा डर बना रहता था कि हम लोगों की कोई बात नहीं सुन ले क्योंकि बहुत हाई लेवल बातें चलती थी हमारी। अपने रमेश जी, ये था कैरेक्टर आदमी। देखो बता, कल हम मर्सिडीज के शोरूम गए थे। अरे हाय हाय, क्या चीज है, राजश्री पान मसाला, सोच में स्वाद है। हम इसके साथ नहीं है हमारा दोस्त। तो देखो यार, मेरे को चाहिए थी ब्लैक कलर की मर्सिडीज। पापा ब्लैक कलर की मर्सिडीज मस्त लगी है ना। नहीं बेटा नहीं, थोड़ा आगे के लिए भी सोच के चलो, ये ब्लैक कलर की है। हाँ, तो ये रात में नहीं दिखेगी, इसलिए अपन लेते व्हाइट कलर की। अरे व्हाइट कलर की दिन में नहीं दिखेगी, चल रहने देते। इनका लेवल कोई मैच नहीं कर सकता, इनका पूरा परिवार ही ऐसा था। भाई मैं टूट चुका हूँ अंदर से। अरे कहीं नहीं रहे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सो आएगी सो जाएगी, लेकिन मना किसी को नहीं करना, सबको मेरे पास भेजना, ठीक। यार भाई तू समझ नहीं रहा है, आजकल मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, बस वो फ्रिज की लाइट बंद चालू करता रहता हूँ दिन भर और समझता हूँ कि मेरे से बड़ा होशियार कोई है ही नहीं। मैं को भाई फ्रिज की लाइट बंद चालू करना, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता, लाइट बंद हो जाती है खुद से। पर फिर मैं धीरे धीरे करके देखा, अंदर कुछ ऐसा लगा होता है जो ऐसा बटन दबाता है उससे बंद हो जाती है। मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं को मर जाना चाहिए। अब तू ही बता कि मैं फिनाइल पी के मरूं के छत से कूद के। मैं समझ सकता भाई, कोई बात नहीं, जिस हिसाब से तेरी हरकतें हैं, तू एक काम कर, फिनाइल पी के और फिर छत से कूद जा। और एक बात समझ यार, सबकी जिंदगी में दुख आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मुंह उठा के मेरे घर पे चल जाए। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, रीटेक 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 ले। भाई व्हाट, अबे यार ये क्या बोल रहे हैं भाई, दिस इज फनी। नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ बात दबा देंगे अपन, बात दबा देंगे। देख रमेश, सबकी जिंदगी में दुख आता है, मेरे साथ भी ऐसा पहले हुआ है, लेकिन ऐसे नाजुक दिनों में मेरा साथ दिया मेरी सच्ची सहेली शीला ने। ये देख शीला की कॉफी। इसमें कुछ, हाँ ये सुंदर लड़कियों की कॉपी में से अलग गीच खुशबू आती है। नहीं ऐसे मत देखो यार, मेरे को पता है तुम लोगों ने भी ऐसे घर पे ले चल रहा है, बहुत सूंघी है लड़कियों की कॉपियां। बस ज्यादा नहीं, सारी खुशबू खत्म कर देगा। सिलासिस मेरी है क्या तू? नहीं भाई मैंने ऐसा नहीं किया, प्लीज। मैंने पूरी जिंदगी में एक बार किसी लड़की से कॉपी मांगी थी, बस वो पहली और आखिरी बार था। तू कुछ कूदा फांदी कर रहा था ना कि दस है, चलो कूदो कूदो कूदो, फटाक से 3-2-1 कूदो। भाई फिनाइल खिलाना रह गया उसे। तो आ गए फिर से। तो अपने रमेश जी और गेंदा लाल जी, इन दोनों को जाने कहाँ से एक इंग्लिश का वर्ड पता चल गया। यार गेंदा आजकल बहुत बर्न आउट हो रहा है ना। सेम मेरे को भी हो रहा है यार, घर में फ्री बैठे बैठे बर्न आउट हो रहा है इनको। तो मतलब अपन सबको ही बर्न आउट टाइप कुछ हो रहा है, ये भारत में मेंटल हेल्थ को मजाक बना रखा है। अपना तो देखो सीधा सा हिसाब है, अपने को ऐसा जरा सा भी कुछ महसूस होता है ना, दिमागी तनाव टाइप, तो अपन जाते सीधे डॉक्टर को इग्नोर करके किधर घूमने। तो चलते किधर, मैं कुछ मतलब हाँ सबकी तरफ से हाँ ही है, मांगू को भी बुलाई लेते। तो भाइयों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लड़की आपसे बात करना ही नहीं चाहती, जो लड़की आपके सामने एटीट्यूड दिखाती है, आपको इग्नोर मारती है, उसको फिर हम चारों बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। और ये अपने रमेश जी, ये महा चिम्बड़ आदमी, मैंने इससे चिम्बड़ आदमी आज तक नहीं देखा। देखो अपना खाने पीने का तो सीधा सा हिसाब रहेगा कि जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, तो अपने खाने का तो सेट है, और बाय चांस अगर खाना नहीं मिला तो भरपेट पानी तो मिल ही जाएगा अपने। क्या फुल प्रूफ प्लान है भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर वालों को बिना बताए ये डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि तुम किधर भी घूमने जा रहे हो, घर वालों को ऐसे ही लगता है इस दुनिया में जितने भी जुर्म हो रहे वो तुम्हारे बच्चे पे ही होंगे। नहीं yes. मतलब वो चोर आ भी गया मान लो सामने ही खड़ा है, तो कुछ होना भी तो चाहिए मेरे पास, क्या ले जाएगा क्या चोरी करके। नहीं क्या ले जाएगा वो, मेरी फटी हुई चड्डी, 4-6 दो रखे इसके अंदर ऑक्सीजन के लिए। अरे तू अंदर कौन देख रहा, मतलब तो पहनो ही मत ना फिर, अंदर कोई देखने आया तो पहनो ही मत। कर सकते कर सकते
फिर ट्राई कर सकते हैं अभी। पापा अपना ब्लेम नहीं ले रहे हैं। तुम्हारे घर वालों के सामने किधर भी जाने की बात करोगे ना, सबसे पहले तो 2 घंटे तक बिठा के तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जाएगा। ना ये अपने पड़ोसी का बेटा भी गया था घूमने, वो वापिस आ गया सही सलामत, लेकिन उसका नया कि नया बनियान घूम गया। तुम्हारे घर वाले सारी कोशिश कर लेते हैं तुमको ना भेजने की, लेकिन फिर भी तुमको चुल रहती है, तो तुम बिल्कुल सीना तान के रोना धोना करके जाने के लिए मना लेते हो, लेकिन इसके बाद भी 2 घंटे बिठा के तुमको समझाएंगे। देखो नए शहर में करना है, मतलब कि नया वातावरण है, तुमको बहुत सारी लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों। तो भाइयों आपको लगता होगा कि यार इन लड़कियों को पटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा या पटाया ही नहीं जा सकता, वो लड़की से बात ही नहीं करना चाहती, तब उसको पटाओगे कैसे? भाई ये बंदा मस्त है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तुम पहली बार जा रहे हो उस शहर में, मतलब आना जाना है रोज का अप डाउन है तुम्हारा। जस्ट इमेजिन हम लोग ट्रेन में ये बातें कर रहे हैं। हार्दी देखो वो बिल्डिंग, हाँ यार कल आए थे तब तो थी नहीं है। हाँ मतलब कंस्ट्रक्शन तो बहुत गति से हो रहा है अपने देश में। और हाँ ये बात तो है कि किधर घूमने जाने से अच्छा तुम लोग पास में गार्डन में घूम के आ जाओ। आहा क्या लड़की, नहीं सॉरी भाई ये मित्र वैसे मत देखो, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करता हूँ ठीक है, तुम वही है, तुम ही ये सब करते रहते हो। नहीं सॉरी। हाँ वही गार्डन जिसके अंदर तुमको रोज मोटी मोटी अंटियां दिख जाएगी पेट हिलाते हुए, और वही अंटियां पिछले 10 सालों से लगी पड़ी। मैं छोटे से बड़ा हो गया हूँ इतने सालों में, लेकिन पिछले 10 सालों में आधा इंची भी पेट कम नहीं हुआ इनका। सॉरी यार अब जैसा है वैसा है ठीक है। एफर्ट्स के लिए पूरे नंबर मिलते हैं इधर आंटियों को। उनमें से एक था महारहीस, वो लोग नहीं तो उनका मुंह देख के पता चल जाता अरे इनकम टैक्स नहीं भर रहे ये लोग। हाँ वही। तो एक बार हम लोग उस रईस दोस्त के यहाँ पे गए, भाई साहब कटोरे भर भर के ड्राई फ्रूट पड़े हुए वहाँ पे, और उससे भी अच्छी बात ये देख ही नहीं रहे कि तुम खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, और ये गेंदा लाल जी बेशर्म हो जैसे, देखो यार भूखा नहीं मरूंगा मैं कुछ भी। हाँ अगर कोई तुम्हारे घर पे और तुमको उसको कुछ खिलाने की इच्छा हो तो उसके सामने बैठ के उसका मुंह मत देखो कि वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसकी इच्छा होगी तो भी नहीं खा पाएगा वो। कोई आया तो ऐसे बैठ के देख रहे हैं, हाँ अरे खाओ खाओ खाओ। यस भाई प्लीज प्लीज, इसी वजह से मेरे 2-3 बिस्किट रह जाते थे यार, मैं नहीं खा पा रहा हूँ उनको लगेगा मैं ज्यादा खाता हूँ यार। नहीं तो घर पे तो जो मेहमान छोड़ के जा रहे हैं वो सब मैं ही साफ कर रहा हूँ, फिर बाद में यही लोग बोलते हैं कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं, अरे खाने दिया आपने। अरे बस बस 2 खा लिया मैंने, नहीं नहीं 3 खाया, खाया 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 गप से खा लिया, वाओ क्या खाया यार। ऐसे मत करा करो कोई घर पे आए तो ठीक है। तो गेंदालाल जी की ये हरकत देख के एक बारी को तो हमारा दोस्त आके बोल दिया भाई बस कर जा, सारा दिमाग यहीं से बढ़ा के जाएगा क्या, और ये लोग फल फ्रूट लेके आए हमारे लिए, इतनी सेवा तो आज तक हमारे घर पे नहीं हुई हमारी। और एक बात और नोटिस करी होगी तुम लोगों ने, इन रईस लोगों के घर में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मम्मियां इंग्लिश में बात कर रही है, तो इसलिए हम लोग जब भी जाते थे ना इनके घर पे तो हम सिर्फ यस और नो में जवाब देते थे, जाता भी नहीं था। हेलो किड्स वुड यू वांट टू ईट गुआवा, नंटी वो जामफल दे देना उधर से, क्या यार अब खाने की चीज भी नहीं मांगू क्या, नो 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 नो। इतना बेइज्जत हम तीनों ने आज तक महसूस नहीं करा। क्या बोल क्या रहा था, अच्छा हाँ मैं मेन स्टोरी से ही भटक गया हूँ मैं। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ खरीदारी कर लेते हैं घूमने जा रहे हैं, तो एक बात से इस पूरे ब्रह्मांड के प्राणी एग्री करेंगे कि नहीं आती लॉन्डो को खरीदारी करना, ठीक है इट इज व्हाट इट इज, फिर भी जाएंगे ऐसी चौड़ में के रोज का काम है इनका। अरे बहुत महंगा, अरे महंगा सामान, अरे बहुत महंगा सामान है रे, अरे बाप रे लुटेरे। नहीं भाई मैं पीछे वो नहीं देख रहा हूँ, प्लीज तुम ही मत देखो नंबर के। और ये आदमी ने ऐसी हरकत करी ना, ठेठ वहाँ दूर जाके चिल्ला रहा है, हाड़ी सुनना वो लेटरिंग के हाथ धोने का आता है ना पुचुक पुचुक, वो किधर मिलता है बताना। बता नहीं रहा मतलब। एट द एंड हम लोग पूरे 5 क्लिनिक प्लस शैम्पू के पाउच लेके आए, और हाँ लड़कों का तो समझ आता है के होते हैं थोड़े दिमाग से पैदल, लेकिन लड़कियों का सीन बिल्कुल अलग होता है। बेटा पैसे का कुछ भी इशू होना तो मेरे को बोलना, एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ मैं, देखो जितने पैसे चाहिए उतने ले ले ना, एक बार डॉक्टर बनने के बाद तू बोले आज के आज निकाल दे डॉक्टरी। नहीं लड़कियों को ये प्रॉब्लम नहीं आती, लड़कियों के पास कभी कपड़े है ही जनी। यार मैं आ तो जाती घूमने पर तू तो समझ ही सकती है, ये तो है भाई। नहीं नहीं लॉन्डो का ऐसा नहीं रहता, हम एक चड्डी में ही 4 दिन निकाल लेते हैं उसको ही पलट पलट के पहन के। लेकिन यहाँ भाई ये इस बात से मैं अग्री करना चाहूंगा पूरी तरह से, मैंने मेरे घर पे देखी यार ये चीज है, मेरी दीदी के पास कभी कपड़े थे ही नहीं जबकि उसका पूरा कबर्ड भरा हुआ था। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है दोस्ती की, लड़कियों में उतनी गहरी दोस्ती हो ही नहीं सकती कभी जितनी लड़कों में होती है। हमारे लौंडे लोग बहुत मुंह फटे, आधी रात में मांगी लाल जी फोन लगा के, ए हाड़ी सुनना सो रहा था तेरी रेड वाली चड्डी है ना वो मेरे को दे दे,
हेलो, सारी शर्म बेच खाई है लॉन्डो ने। नहीं, मैं मान ही सकता ये लेवल की दोस्ती होती है लड़कियों में। हेलो, हाँ शीला सुनना, वो मैं अपने बंदी के साथ बाहर जा रही हूँ थोड़ा, तो तेरे पास मम्मा का कॉल आए तो संभाल लेना ना थोड़ा। अरे ये भी कोई कहने की बात है, तू तो जा जा, मस्त घूम, एंजॉय। हेलो आंटी, मैंने आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग भेजी है, वो सुन लो तो एक बार। टूटे मका तो वो दो दिन। भाई ये तो ज्यादा ही गलत कर दिया। के लिए जो मैं शीला की कॉपी लेके आया था वो मेरे को देने भी जाना था। हेलो, वो कॉपी देने आ जाऊं क्या मैं तेरे घर? अच्छा ठीक ठीक आता हूं। चलो जल्दी जल्दी चलो, लेट नहीं होना है। चल चल फटाफट। शीला, माय नेम इज शीला, जवानी। क्या रिंगटोन है मेरी? अरे बारी आई तो मुझे तो सही लग रहा ना। हाँ सब सही है। क्यों वाह शीला, यस कौन है भाई? इतनी हाइप। ओके तो द एंड हो चुका है, एंड रियली सॉरी। व्हाट, ऐसे कैसे डी एंड हो जा रहे हैं? मेरे को शीला देखनी थी भाई। अरे यार, एक ही सपना था मेरा जिंदगी में, वो भी पूरा नहीं हो पाया। ओके, तो आई गेस वीडियो खत्म हो गई है भाई। अच्छी वीडियोस थी यार। लाइक मैंने एंजॉय किया जितना ही मैंने देखा है। एंड अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुमने ही किया होगा, पागल तो हो नहीं तुम लोग जो यहाँ तक ऐसे देखोगे। बट यार शीला नहीं देख पाई भाई, मैं पूरा आगे खोल के बैठा था। अब फाइनली मोमेंट आ गया है, बट फिर देखो मुझे लग रहा है मैं इस दुख के साथ आउटरो भी नहीं कर पाऊंगा। तो हाँ, तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर देना। मैं जा रहा हूँ शीला की यादों में रोने। बाय।